कॉल्स लेना शुरू करते हैं और तीनों मेहमानों से फटाफट से कॉल्स लेंगे ताकि हम आगे बढ़ पाएं। वैशाली पारेख, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेडिंग कॉल से आज कर रहे हैं शुरुआत, प्लीज़ बताइए मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। सो मैं एक्चुअली कैश कैटेगरी में कैम्स एक रेकमेंड करना चाहूंगी, बिकॉज कल हमने देखा बीएससी अच्छे से चल चुका, सीडीएसएल अच्छे से चल चुका, सो आई थिंक नाउ टेक्निकली वेल प्लेस्ड कैम्स एक मुझे सही लग रहा है ये लेवल से। 4600 इज द लेवल राइट नाउ, 4500 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक खरीदा जा सकता है फॉर अ ट्रेडिंग टारगेट ऑफ 4900। फिर दूसरा है जो टेक काउंटर में से है वो ऑफकोर्स जैसे रचना ने भी बताया एचसीएल टेक्नोलॉजी हमारा भी एक पिक है और हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इसके लिए टारगेट है 1900 और स्टॉप लॉस रहेगा 1820। SCL Tech, मैम एक बार जरा स्टॉप लॉस टारगेट वापस से बताना, हम स्टैम्पिंग कर दें। SCL Tech, HCL Tech 1820 स्टॉप लॉस 1900 टारगेट, 1900 का टारगेट है। वैसे बता दें इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं और मार्केट की उम्मीद से काफ़ी काफ़ी बेहतर रहे हैं नंबर्स। एक बार हम आपके स्क्रीन पर वापस से चला भी देते हैं, आप देख भी लीजिएगा आज दो नंबर। अच्छा एक और चीज़ मैं थोड़ा बताना भी भूल गया, जब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा था, रिलायंस के नंबर अच्छे आए और रिलायंस निफ्टी का वेटेज रखता है। रिलायंस का आज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज रिलायंस का रिएक्शन अगर थोड़ा भी ठीक रहता है तो आपको वैसे भी चिंता करने की बात नहीं है। ये एक तरह का कुशन, एक तरह की लेयर और मैं डाल देता हूँ आपके सपोर्ट्स के अंदर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज एक कॉल ऑलरेडी आ चुकी है, वैशाली पारेख भी कह रही हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़िया चल सकता है और SCL Tech उनकी लिस्ट में है, कैम्स उनकी लिस्ट में है, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज उनकी लिस्ट में अभी तक आए हैं। किरण जानी से ट्रेड लेते हैं, फिर रचना मैम से भी उनके ट्रेड करके आपके सामने कंपाइल कर देंगे पूरा। किरण सर नमस्ते, आपके ओपनिंग ट्रेड सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट एक वेरी वेल प्लेस्ड है, ब्रेकआउट स्टॉक काफी सारे हैं, तो हमें लग रहा है कि वहां पे कहीं ना कहीं हमें बाय एंड डिप्स करना चाहिए या तो ब्रेकआउट के ऊपर अवेलेबल है तो करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग जाना चाहिए। सो हमारे दो पिक रहेंगे, पहला जो रहेगा वो केमिकल सेक्टर से रहेगा ग्रेफाइट इंडिया की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट के ऊपर से, डेली चार्ट के ऊपर से स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे था, लास्ट तीन दिन में लगातार हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के चलते हुए वो अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर इंक्लूडिंग 200 डेज के ऊपर आ चुका है। वॉल्यूम के साथ हमने देखा है कि नीचे के लेवल से काफी अच्छी बाइंग आई है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के ऊपर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सेटअप है। 580-584 के बीच की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे, 620 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 570 एज द स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे ग्रेफाइट के अंदर। दूसरा जो कॉल है वो कमोडिटी सेक्टर से है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक। जिस तरह से आप सिल्वर के अंदर रैली देख रहे हो, इंटरनेशनल सिल्वर $31 के ऊपर सस्टेन है, $30 को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये काफी एक अच्छा साइन है सिल्वर के लिए और हिंदुस्तान जिंक बीइंग एन सिल्वर प्रोड्यूसर, ये टेलवेंस कहीं ना कहीं फंडामेंटली है। दूसरा अगर टेक्निकली हम बात करें तो 200 टीएमए के आसपास उसने एक अच्छा खासा बेस बनाया है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट पे इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, तो अगर ये 520-530 का क्लस्टर क्रॉस करता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक शार्प अपसाइड भी देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ ये थोड़ा प्री अटेम्प्ट है, लेकिन ओवरऑल सिल्वर की रैली को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी बाइंग, तो 520 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे, 550 का टारगेट रहेगा एंड 504 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो ग्रेफाइट एंड हिंदुस्तान सिंह हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। देखिए ये कॉल होगी और मेटल में हिंदुस्तान जिंक पर भरोसा बरकरार है, 550 के टारगेट के लिए 504 का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिएगा, बढ़िया है। रचना जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए मैम आपके शेयर्स कौन से होंगे, क्या खरीदने की आप सलाह देंगी आज? जी गुड मॉर्निंग, और मेरे स्टॉक्स जो रहेंगे वो दोनों रिजल्ट बेस्ड रहेंगे, वन इज HCL Tech एंड RIL इज, सेकंड इज RIL। HCL Tech इज अ रिपीटेशन, हमारे कलीग ने भी दिया है। HCL Tech में मैं पिछले तीन दिन से मीडिया पे इसके बारे में बात कर रही हूँ, इसका रिजल्ट जब नहीं भी आया था, इसके चार्ट सेटअप में एक स्पेशल चीज थी, देयर वाज अ वेरी वेरी नाइस फ्लैग फॉर्मेशन ऑन द डेली चार्ट जिसमें से ब्रेकआउट की अटेम्प्ट चालू थी पिछले तीन दिन से, और लग रहा था कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस चीज को फ्रक्टिफाई करे, वरना ऐसा सेटअप नहीं बनता, और आज मेरे हिसाब से वो प्ले आउट होना चाहिए। यहाँ पे 1835 के SL के साथ अगर फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे तो 1900 तक के नंबर्स देखने की उम्मीद है। एंड दिस अदर काउंटर इज RIL। RIL में एक तो पोजीशनिंग ऐसी है कि कोई भी रैली आई नहीं है और ऊपर से नंबर अच्छे आए हैं, तो दैट गिव्स मोर फोर्स टू द स्टॉक, और इसलिए यहाँ पे भी फ्यूचर्स में बाइंग करनी चाहिए क्योंकि पोजीशनिंग फेवरेबल है और पूरी रैली अभी देखने को बाकी है रिजल्ट रिलेटेड, तो फ्यूचर के हिसाब से ऐसे लगाना चाहिए 2740 पे और टारगेट होना चाहिए 2800 एंड 2830।
ठीक है रचना जी, आपने अच्छा किया कि दो बड़े रिजल्ट आए हैं और दोनों पर ना सिर्फ आपने व्यू दे दिए बल्कि बाय के रिकमेंडेशन भी आपने साथ साथ दे दिया और टारगेट और स्टॉप लॉसेस भी स्क्रीन पर हैं। फ्यूचर्स के लेवल आपकी स्क्रीन पर ही दिख रहे हैं। एससीएल टेक के लिए टारगेट होगा 1900 और 1925 रुपये का, और अगर हम बात करें रिलायंस की अगर टारगेट की तो फ्यूचर्स में इसका टारगेट होगा 2800 रुपये का और 2830 रुपये का, 2750 रुपये के आसपास के भाव हैं। और आज जिस तरह के नतीजे हैं उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि आपको दिख सकती है इसमें तेजी, 2800 रुपए के ऊपर जाने की बिल्कुल कोशिश करेगा ये शेयर आज के सत्र में। और फिर से एक बार बाजारों की तरफ लौटेंगे, अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे ही रहा था, अभी निफ्टी 50 की भी प्री ओपन में लगभग 60 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ शुरुआत होने की तैयारी है। देखते हैं कहाँ पे होती है ओपनिंग। पर अब हमारे साथ चंदन तापड़िया भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। चंदन, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो चंदन अपने कॉल्स ही बताइए, कहाँ पर है आपका नजरिया, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आप फोकस कर रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग सस्ती, थैंक यू। देखिए सबसे पहले तो पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट सेक्टर पे हम पॉजिटिव व्यू बनाए हैं, और मुझे अगेन ध्यान में है कि पिछले लगातार कुछ सप्ताह से कुछ महीने से कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनी जैसा कि एक्सचेंज या कुछ ब्रोकिंग या फिर डिपॉजिट पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। BSE पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, लगातार स्टॉक यहाँ पे हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। हालांकि पिछले 7-8 दिनों में ऑलरेडी चल चुका है 3500 से लेके 4880 तक, बट अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ इंटेक्ट है। मेरा मानना है कि 5200 तक के टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए नजर आएंगे, तो जिन्होंने भी यहाँ पे पोजिशन ली है वो अपनी पोजिशन कंटिन्यू रह सकते हैं। उसके अलावा दूसरा नेम जैसे कि CDSL है, जहाँ पे भी 1650-1700 तक के मूवमेंट बनने चाहिए। बट नए ट्रेड सेटअप की हम यहाँ पे सृष्टि बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा मेरा मदरसन संवर्धन, कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरीज पे फोकस रहेगा। और मदरसन संवर्धन ने वीकली चार्ट पे एक टिपिकल पोल एंड फ्लैग का एक्सटेंडेड पैटर्न बनाया, 4-5 दिन से हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं यहाँ पे, तो 209 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 224 तक के टारगेट रहेंगे। तो पहला ट्रेड तो मदरसन ध्यान में रखना पड़ेगा, और कैपिटल मार्केट तो ऑलरेडी रेडार में है ही। उसके अलावा एक और ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा सिलेक्टिव IT कंपनीज पे, और IT पे मेरे को परसिस्टेंट सिस्टम काफी अच्छा लग रहा है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, 2-3 दिनों से मोमेंटम बना है, नया ट्रेड सेटअप यहाँ पे अमर्ज होके बनना चाहिए। तो 5530 का सपोर्ट होगा, कहीं ना कहीं लगभग यहाँ पे 6000 तक के टारगेट अनफोल्ड होते हुए नजर आने चाहिए। दो काउंटर्स जो हैं आज फ्रेश जो है चंदन के रेडार पे आए हैं, उन्होंने भी बताया कि जो कि कैपिटल मार्केट से रेगुलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं BSE CDSL, और मुझे याद भी है कि चंदन और साथ ही शिवांगी के रेडार पे भी कई सारे काउंटर्स थे जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। पर आज के लिए आप नज़र रखिए संवर्धना मदरसन में, ऑटो एंसिलरी स्पेस से, साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम IT स्पेस से चंदन को पसंद आ रहा।